नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, आपका दोस्त। आपको बताना चाहूँगा कि आज फादर्स डे है और उसके लिए हम हार्दिक बधाई देते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं उन सभी पिता का अपने इस चैनल पर जो हमारे इस चैनल को देखते रहते हैं और इस चैनल को आशीर्वाद अपना दे रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज जो फादर्स डे है इस पर ही नहीं बल्कि हमेशा हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। जो हमारे पिता तुल्य हैं, जो हमारे पिता तुल्य नहीं बल्कि और भी दोस्त मित्र हैं, उन सभी का हमें बराबर प्यार चाहिए, लेकिन जो पिता तुल्य हैं हमारे उनसे हमें बराबर आशीर्वाद जरूर चाहिए। और अपना आशीर्वाद इस चैनल को भी देते रहें और हमें भी देते रहें। हम सादर आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे चैनल पर बने रहें, चाहे आपको अच्छी खबर मिले या फिर कुछ दुखद खबर हो, लेकिन खबर जरूर हम आपको देते रहेंगे। दूसरी बात आपको ये कहना चाहेंगे कि 80 के दशक में देखा ये जा रहा था कि बाबूजी हुआ करते थे, जो देखा ये जा रहा था कि वो धोती और कुर्ता में थे, वहीं देखने को ये मिला कि 90 के दशक में पिताजी जो है, बाबूजी जो थे वो पिताजी में बदल गए, और बाबूजी जो थे पिताजी में जब बदले तो 90 के दशक में पिताजी जो हैं वो डैडी में बदले। आज के परिवेश में देखा ये जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले डैडी हुए और डैडी से आज डैड हो चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अपने पिता को उन्हीं की तरह ना देखें, क्योंकि पहले के जो बाबूजी हुआ करते थे वो छड़ी लेकर कहीं ना कहीं हमेशा बच्चों को डराते रहा करते थे। हमेशा बच्चों को डर हुआ करता था कि बाबूजी आ जाएंगे तो बहुत मारेंगे। वहीं देखा ये जा रहा था कि बाबूजी वाकई में डराते थे और बाबूजी जो हैं प्यार भी देते थे। फिर आ गए पिताजी। जो पिताजी हुआ करते थे वो पहले आपको बता दें कि शर्ट और पैंट या फिर कुर्ता में हुआ करते थे, और दूसरी तरफ ये देखा गया कि आज जो पिताजी थे जब डैडी में बदले तो उनका कोट पैंट टाई में बदलाव आया। जिस तरीके से आज ये देखा जा रहा है कि माता और जो पिता हैं साथ में आपके तो रहते हैं, लेकिन उनका आप ध्यान जो है नहीं रख रहे हैं, तो हमारी तरफ से आपसे विनती है कि अपने माता पिता का ध्यान जरूर रखें और उनका आशीर्वाद अपने सर पे हमेशा हाथ बनाए रखें, ताकि आपका कभी भी बालवाका ना हो। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया, दृष्टि पर अगर कोई भगवान है तो आपके माता और पिता ही हैं, उनका आप पर साया रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके आज माता और पिता नहीं हैं, जो अनाथ हैं, उनका भी हमारा बड़े भाई और छोटे भाइयों से सभी से आशीर्वाद मैं भी दे रहा हूँ, और आप भी अगर हमसे बड़े हैं तो हमें भी आप आशीर्वाद दें। और हमारी जो बात ये है कि अगर कोई पिता अड़ोस पड़ोस में है जो पिता तुल्य हैं तो उनको भी आशीर्वाद जरूर दें जिनके आज माता पिता नहीं हैं। धन्यवाद, ऐसी ही खुशियां आपके साथ बिखेरते रहें, आपके घर में हमेशा ऐसी खुशियां बनी रहें। धन्यवाद, अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप तक हम एक सच और सही खबर लाते रहें, आपका आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बने रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।